वालेकुम, मैं हूं नौरीन और वेलकम करती हूं आपको अपने रिवायती किचन में, जहां पे हर बार हमारी मुलाकात होती है किसी जबरदस्त सी रेसिपी के साथ। जैसे कि आज की रेसिपी बहुत ही हेल्दी और मजेदार है। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी व्यूअर है, उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी कि कोई ड्राई फ्रूट की मिठाई बनाना सिखाएं जो क्विक हो, इजी हो और वो ज्यादा दिन तक उसको सेव कर सके। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट के हेल्दीएस्ट किस्म के लड्डू। बहुत ही मजेदार और क्विक हैं और आप इनको आराम से एयरटाइट जार में रख के बहुत दिन तक सेव कर सकते हैं। आजकल के बिजी रूटीन में हर कोई चाहता है कि क्विक नाश्ता करे और निकल जाए। तो अगर आपके बच्चे ऐसे हैं कि जो भागते दौड़ते हुए स्कूल जा रहे होते हैं, या आप खुद अगर बहुत जल्दी में होते हैं, सुबह में टाइम नहीं होता, तो सिर्फ एक ये लड्डू खाएं तो यकीन माने कि ये एक एनर्जी बार का काम करेंगे। तो वक्त जाया किए बगैर चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है पहले आप लोग वो नोट कर लें। सबसे पहले हमें चाहिए होगी ये खजूर है मेरे पास। अच्छा, खजूर जो है ये मैंने वो वाली यूज कर रही हूँ जिसके अंदर गुठली नहीं है। अगर आपके पास गुठली वाली हो तो आप पहले सबसे पहले उसकी सारी गुठली निकाल लीजिएगा। ये है खजूर मेरे पास। उसी के साथ मैंने लिए यहाँ पे पिस्ते, बादाम, इंजीर, किशमिश, काजू, ये मेरे पास है अखरोट, चारों मगज, सफेद तिल, ये मेरे पास है गोंद, ये खशखश है मेरे पास, जायफल, जावित्री और इलायची का पाउडर है और घी है हमारे पास। अच्छा, रेसिपी के लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और रेसिपी कार्ड में मैं एग्जैक्टली मेंशन कर दूंगी कि कितनी क्या चीज आपने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, इसमें से अगर कोई भी नट आपको नहीं पसंद तो वो आप निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि इसमें हम ऑलमोस्ट सारे नट्स जो अवेलेबल हैं इजीली वो डालें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके एक लड्डू में वो तमाम के तमाम नट्स थोड़े थोड़े मौजूद होते हैं। खाने में तो मजेदार लगता ही लगता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हेल्दी भी हो जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। मैंने क्या किया है कि एक पैन को मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम लोग घी डालेंगे पहले और इसको अच्छे से कर लेंगे गरम। अच्छा, घी जो है वो आप लोगों के अपने ऊपर है कि आप ज्यादा इस्तेमाल करना चाहें या कम इस्तेमाल करना चाहें। मैं इसमें बहुत ज्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करूंगी, इसीलिए आप लोग भी इसको जितना ऑयल आपको लगे कि मुनासिब है उतना यूज करें, बहुत ज्यादा घी इसमें इस्तेमाल नहीं करिएगा। प्रेफर्ड इसके अंदर देसी घी है, लेकिन अगर देसी घी अवेलेबल ना हो तो आप अनसॉल्टेड बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ऑयल तो फिर हमारे पास है ही। अच्छा, गोंद को फ्राई करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमारा जो घी है वो अच्छा तेज गर्म होना चाहिए, वरना क्या होता है कि गोंद को जैसे ही हम तेल में डालते हैं वो फूलती नहीं है, वो अकड़ जाती है। तो हमें ये चीज नहीं करनी। मैं इंतजार कर रही हूँ ये अच्छा सा गर्म हो जाए। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर अपनी गोंद को डाल, ये देखिए गोंद हमारी जबरदस्त सी फ्राई हो गई है, ये बिल्कुल ऐसे फूल जाती है, आपको नजर आ रही होगी, ये बिल्कुल अब हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल लूंगी और फिर हम लोग डालेंगे अपने नेक्स्ट नट को। अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे अपने काजू। हमने सारे नट्स को जो है ना हल्का हल्का सा फ्राई करना है और ताकि ये क्रंची हो जाए और इसमें जो है ना कच्चापन निकल जाए। काजू भी फ्राई हो चुके हैं हमारे। अब इसके अंदर जो है मैं डालूंगी बादाम। बादाम भी हमारे जबरदस्त से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूं पिस्ता। पिस्ता भी हमारा फ्राई हो चुका है, इसको भी हम निकाल लेंगे। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूं अखरोट। अखरोट भी हो चुके हैं हमारे फ्राई। अब हम इसके अंदर डालेंगे किशमिश। अच्छा, किशमिश का याद रखिएगा, इसको बस कुछ सेकंड ही लगते हैं फ्राई होने में, इसको बहुत ज्यादा हमने फ्राई नहीं करना, ये एकदम से फूल जाएगी। जैसे ही आपको लगे कि ये किशमिश फूल गई है तो बस ये डन हो गया, हमने इसको बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना। अब हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये भी फ्राई हो गया। अब हमने क्या करना है कि आंच को हमने कर देना है बिल्कुल स्लो। ये मेरे पास है मेलन सीड, ये डाल देंगे इसके अंदर। मेलन सीड भी अगेन बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा आपने इनको नहीं फ्राई करना, हल्का सा। हो चुके हैं ये फ्राई मेलन सीड भी, इनको भी हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास है ये सफेद तिल, तो ये हम इसके अंदर डालेंगे। याद रखिएगा कि जो सफेद तिल होते हैं ये भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो इनको भी हमने बहुत ज्यादा देर तक नहीं फ्राई करना,
हल्की आंच के ऊपर हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसके अंदर अगर कोई स्मेल हो या इसका कच्चापन जो है ना वो निकल जाए। आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 टेबलस्पून के जितना घी लिया था और उसके अंदर हमारा सारे के सारे नट्स जो हैं वो फ्राई हो गए हैं, हमें और जो है वो घी की जरूरत नहीं पड़ी। बस हल्का सा इसके ऊपर सुनहरा कलर आ गया है तो ये भी हमारे रेडी हो चुके हैं, इसको भी मैं निकाल लूंगी। अच्छा जी, हमारे सारे के सारे नट्स जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ कि पैन के अंदर जो बिल्कुल 2-3 ड्रॉप ऑयल घी रह गया है हमारा, उसके अंदर मैंने डाल देनी है खशखाश, और खशखाश को भी हम लोगों ने भून लेना है। तो खशखाश भी जो है वो हमारी भून चुकी है, बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें से महकने लगी है। अब हमारे सारे नट्स फ्राई हो चुके हैं तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, तो जो नट्स हम लोगों ने फ्राई किए थे वो सारे के सारे यहाँ पे मैंने रखे हैं आपको दिखाने के लिए कि आपने इनको स्लाइटली सा हल्की आंच के ऊपर फ्राई करना है ताकि इनका कच्चापन निकल जाए और इनके अंदर खूबसूरत सी खुशबू आने लगे। अब मैंने क्या करना है कि अब हमें जरूरत होगी 1 अदद कॉफी ग्राइंडर की। आप लोग अगर चाहें तो इसको हाथ से भी कूट सकते हैं, लेकिन मैं कॉफी ग्राइंडर के अंदर बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट और ये जो गोंद है मेरे पास, इन सबको मैं क्रश करूंगी। जो मेलन सीड है, खशखश है और सफेद तिल है, इसको हम लोग नहीं पीसेंगे, ये एज इट इज ही रहेंगे और ना ही हम किशमिश को पीसेंगे। इन सारे नट्स को मैं क्रश कर लूंगी, लेकिन जो गोंद है मेरे पास इसको मैं बिल्कुल पाउडर बना दूंगी। ठीक है, ये सारा मैं पीसने के बाद आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, सारे के सारे नट्स को मैंने हल्का हल्का सा क्रश कर लिया है, आपको नजर आ रहा होगा। बिल्कुल बारीक हमने नहीं करना, जब हम लड्डू खाते हैं तो ये मुंह में जो इसका दाने आते हैं तो बहुत मजे के लगते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया था कि गोंद इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है और उसी के साथ जो अखरोट है उसको भी थोड़ा बारीक पीस लिया है, क्योंकि अखरोट और गोंद का तो खैर कोई फ्लेवर नहीं होता, लेकिन अखरोट का थोड़ा सा कड़वा सा फ्लेवर होता है तो बाज़ोकात ये बच्चों को खाने में पसंद नहीं आती है। ठीक है, बाकी जो है किसी चीज को हमने नहीं पीसना। अब हम लोग आ जाते हैं इसके फाइनल स्टेप की तरफ। जो हमारे पास खजूरें हैं जिनकी गुठलियां मैंने वो वाली यूज की थी जिसके अंदर गुठली नहीं होती, अगर आप लोग गुठली वाली यूज कर रहे हो तो पहले उसकी गुठलियां निकाल दीजिएगा। ठीक है, ये अब हमने इसको डाल के ना हमने इसको थोड़ा सा गर्म करना है। जैसे ही ये गर्म होंगी ना तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी, तो हमें उस स्टेज तक जो है ना इंतजार करना है। लेकिन आपने इसकी जो आंच है वो बिल्कुल स्लो रखनी है। आप ये देखेंगे खजूर हमारी जबरदस्ती मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पे मैंने क्या करना है कि ये जो मेरे पास इंजीर है ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। आप लोग देखेंगे जो ये खजूर है ये बहुत अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो चुकी है, बहुत अच्छे से। आप ये देखेंगे जो इंजीर और जो हमारी खजूर है ये एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गई है और मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब काफ़ी स्टिकी सा ये होता है तो इसलिए मैं दूसरे स्पून का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरा है कि कोई चीज़ वेस्ट ना हो जाए। अच्छा, अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि जायफल, जावित्री और इलायची का जो पाउडर है ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको हम लोग कर लेंगे मिक्स। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो स्टिकी सा मिक्सचर है ये रेडी हो चुका है। अब मैंने क्या करना है कि फ्लेम आपकी बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। इसको हम लोगों ने अब करना है यहाँ पे मिक्स, और हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी फ्लेम है नीचे से ऑन है इसको अब हम कर देंगे ऑफ। अब यहाँ पे क्या करना है हमने कि इन सब चीजों को हम लोगों ने अच्छे से एक दूसरे के अंदर मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसको हमने मिक्स करना है, लेकिन इस स्टेज पर ये बहुत ज्यादा गर्म है तो हम इसमें हाथ नहीं लगाएंगे और हम इसको एक अलग बोल में निकाल लेंगे ताकि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, इतना आ जाए कि आप इसको हाथ लगा सकें, तो फिर हम उसके जो है लड्डू बनाएंगे। हमारा जो ये मिक्सचर था ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, अब हम इसको हाथ लगा सकते हैं। तो क्या करना है मैंने कि सबसे पहले तो मैं इसको मिक्सचर को कर लूंगी अपने हाथों की मदद से मिक्स। आप देखें कितने कलरफुल से ये लड्डू आपको नजर आ रहे होंगे, बहुत ही मजेदार बनते हैं। और सबसे ज्यादा मजेदार बात क्या है कि फैट फ्री हैं, ना हमने इसके अंदर किसी किस्म की चीनी ना ही स्वीटनर का इस्तेमाल किया है, और घर में ये
जबरदस्त से हमारे जो नट्स होते हैं मौजूद उससे ये तैयार हो चुके हैं। और आप यकीन करें कि डाइट करने वालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग देखेंगे कितना जबरदस्त सा ये मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, सिंपल आपने अपने हाथों को देसी घी से ग्रीस कर लेना है। और हम क्या करेंगे कि बड़े या छोटे जो भी साइज आपको पसंद हो उसके हम लोग इसके जबरदस्त से जो है लड्डू बना लेंगे। ये जो लड्डू हैं हमारे ये बहुत आराम से एयर टाइट जार में आप इन्हें रखें, ये बहुत दिन तक खराब नहीं होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे आज के ड्राई फ्रूट के लड्डू की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत जल्द ट्राई करेंगे और मुझे इसका फीडबैक देंगे। यकीन माने रेसिपी अपलोड करने के बाद मैं आप लोगों के फीडबैक का इंतजार करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग फीडबैक देते हैं और बताते हैं कि आप लोगों ने भी इस रेसिपी को बहुत एंजॉय किया। यहाँ पर टाइम हो चुका है मेरे जाने का, लेकिन मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।